हॉर्मोन्स तो पढ़ ही रहे थे, सो लेट्स टॉक अबाउट द हॉर्मोन्स फ्रॉम एड्रीनल मेड्यूला, राइट बेटा? बच्चे एड्रीनल मेड्यूला में जो फियोक्रोमोसाइट्स हैं, फियोक्रोमोसाइट्स या क्रोमैफिन सेल्स हैं, दे ऑल सिक्रीट अ सेट ऑफ कैटेकोलामीन्स, कैटेकोलामीन्स, कौन कौन से कैटेकोलामीन्स बेटा? मेनली जो कैटेकोलामीन्स हमारे लिए जरूरी हैं, दीज आर इपी नेफरीन, ये नाम भी बहुत सिंपल है, इपी यानी ऊपर, नेफ्रामीन्स किडनी, किडनी के ऊपर प्रेजेंट ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन, और इसी का सिस्टर हार्मोन है नॉर इपी नेफरीन, राइट? इपीनेफ्रीन इज ऑल्सो नोन एज एड्रीनलिन, वहीं पर नॉर इपीनेफ्रीन को नाम दिया जाता है नॉर एड्रीनलिन, राइट बेटा? अगर याद हो तो दीज टू हॉर्मोन्स एक्ट इन कोऑर्डिनेशन विद आवर सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम, उसे निकलने वाले जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो यही तो हैं, राइट? सो दीज बोथ एक्ट इन कोऑर्डिनेशन विद सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम, जब आपके पीछे शेर पड़ा हुआ है वो कंडीशन, यानी जब स्ट्रेस कंडीशन में है आप, विद सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम, इसी वजह से इन्हें नाम दिया जाता है इमरजेंसी हार्मोन, इमरजेंसी हार्मोन्स बेटा। इमरजेंसी हार्मोन्स को और भी नहीं ना कई नाम दे सकते हो, इमरजेंसी में काम आने वाले हार्मोन्स को हम क्या स्ट्रेस हार्मोन भी कह सकते हैं? जब भी आप मेंटली या फिजिकली स्ट्रेस्ड होंगे तो तुरंत आपको ऐसा लगेगा जैसे कि हार्ट पैल्पिटेट कर रहा है, दिल की धड़कनें बढ़ गई हैं, दिल छाती चीर करके बाहर आ जाएगा, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ दीज टू हार्मोन्स, राइट? स्पेशली एड्रेनलिन। इसके अलावा इसे हम एक और नाम भी दे सकते हैं, वी कैन कॉल इट 3F हार्मोन, हार्मोन्स नॉट हार्मोन। 3F का मतलब क्या है बेटा? 3F वो कंडीशंस हैं जब आप बहुत स्ट्रेस्ड हो सकते हैं। कब कब? जब आप फ्राइटेंड हैं, दैट मींस आप डरे हुए हैं, राइट? व्हेन यू आर फ्राइटेंड, सो फ्राइट, फाइट, लड़ाई कर रहे हैं किसी से, खूब लड़ाई हो गई है तो भी चाहिए, एंड जब आप फ्लाइट में हैं, उड़ान भर रहे हैं, राइट? सो फ्राइट, फाइट एंड फ्लाइट, या फियर, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन हम इन्हें कह सकते हैं, राइट? ये चीज समझ में आ रही है बेटा? आई एम नॉट टेलिंग यू अबाउट द फंक्शंस ऑफ दीज बिकॉज मैं बहुत डिटेल में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूं अबाउट द सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम। वहां पे सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम के जो फंक्शंस हैं वो सभी इन्हीं दो हॉर्मोन्स के फंक्शंस हैं। आई होप आई एम क्लियर अबाउट इट। वेल, यहां पर भी एक चीज हमें जो समझ में आती है, लेट्स पुट अ नोट फॉर दैट। सबसे पहली चीज जो समझ में आई वो ये कि एड्रीनल मेड्यूला को भी एक और नाम दे सकते हैं आप, एड्रीनल मेड्यूला इज ऑल्सो कॉल्ड 3F ग्लैंड, या इमरजेंसी या स्ट्रेस ग्लैंड बोल सकते हो। और दूसरी चीज ये समझ में आई कि हम एड्रीनल ग्लैंड का भी नाम रख सकते हैं, पूरे ग्लैंड का, कॉर्टेक्स और मेड्यूला को मिला करके। सो एड्रीनल ग्लैंड इज ऑल्सो कॉल्ड 4S ग्लैंड। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस 4S हियर? बता चुकी हूं बेटा, सॉल्ट, जोना ग्लोमेरुलोसा यानी मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स सॉल्ट को कंट्रोल करेंगे, जोना फेसिक्यूलेटा
विल कंट्रोल बॉडी का शुगर लेवल विद द हेल्प ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स. जोना रेटिकुलरिस विल कंट्रोल आर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स विद द हेल्प ऑफ सेक्स कॉर्टिकॉइड्स या गोनाडिक कॉर्टिकॉइड्स. एंड लास्ट वन एड्रिनल मेड्यूला विल कंट्रोल आर स्ट्रेस लेवल्स और हेल्प अस रिस्पॉन्डिंग इन स्ट्रेस कंडीशंस. गॉट दैट? और इसी वजह से इसे नाम दिया गया 4S ग्लैंड. With this, we are done with our adrenal gland. आगे पढ़ लेते हैं about the disorders. कई बार ये hormones ऊपर नीचे भी तो हो सकते हैं ना, कोई बढ़ गया कोई कम हो गया. So let's talk about the disorders of adrenal gland. आगे पढ़ लेते हैं अबाउट द डिसऑर्डर्स ऑफ आर एड्रीनल ग्लैंड, यानी जो डिफरेंट हॉर्मोन्स हैं वो हाइपो या हाइपर सिक्रीट कहीं अगर हो रहे हैं तो. तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं फर्स्ट डिजीज से, जिसे नाम दिया जाता है कॉन्स डिजीज. कॉन्स डिजीज एक ऐसी कंडीशन है जहां पर एल्डोस्टेरॉन नाम का जो हॉर्मोन है उसके उसका सिक्रीशन बढ़ जाता है. सो इट इज बेसिकली हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म. राइट, दैट मीन्स इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ एल्डोस्टेरोन हॉर्मोन. अब सिंपल है बेटा, एल्डोस्टेरोन अगर बढ़ेगा तो बॉडी में सोडियम का अमाउंट इंक्रीज कर जाएगा. राइट, सो इट कॉजेज हाइपर Natremia, that means increased blood sodium levels, or decrease kar jayega potassium, so it causes hypokalemia. बहुत सारे बच्चे सवाल लेके आते हैं इसलिए सिर्फ मैं नाम बता रही हूँ, hyponatremia, hypernatremia, hypokalemia, hyperkalemia. Nobody is gonna ask you in this form, पर ये terms बहुत easy है इसलिए लिखवा दी है बेटा. ब्लड में डिक्रीज कर जाएगा पोटेशियम, क्योंकि सारा का सारा पोटेशियम वेंट्रिकुलर सिक्रीशन में निकाल देगा. जब सोडियम इतना ज्यादा बढ़ेगा तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, यानी यहां पर हमें देखने को मिलेगा हाइपर टेंशन. गॉट दैट? समझ में आ रही है चीज बेटा? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट डिजीज, आई मीन नेक्स्ट डिसऑर्डर where the gland is not working properly in an ordered form, right? The next one is Addison's. Addison's disease. Addison's disease वो condition है जहां पर जो भी बढ़ा हुआ था एल्डोस्टेरॉन वही एल्डोस्टेरॉन डिक्रीज कर जाएगा. बेसिकली डिक्रीज इन कंप्लीट एड्रेनोकॉर्टिकॉइड्स होता है ये. सो इट इज हाइपो एड्रीनो कॉर्टिकॉइडिज्म. राइट, दैट मीन्स जहां पर एड्रेनोकॉर्टिकॉइड्स डिक्रीज हुए, स्पेशली डिक्रीज इन एल्डोस्टेरॉन एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, दैट मींस द कॉर्टिसोल्स, नॉट कॉर्टिसोल्स, कॉर्टिसोल. राइट, सो इस कंडीशन में क्या सिम्टम्स आएंगे बेटा? जस्ट ऑपोजिट. सबसे पहली चीज हाइपोनेट्रीमिया हो जाएगा, दैट मींस ब्लड सोडियम डिक्रीज कर जाएगा. हाइपरकैलेमिया हो जाएगा, दैट मींस ब्लड पोटेशियम बढ़ जाएगा. राइट, बॉडी में पानी की कमी हो जाएगी, डिहाइड्रेशन होगा.
ब्लड ग्लूकोज लेवल फॉल करने लगेगा, पेशेंट को चक्कर आएंगे और साथ ही साथ वॉमिटिंग शुरू हो जाएगी, बॉडी में आयनिक बैलेंस बिगड़ गया ना, गॉट दैट? सो दैट इज अबाउट द एडिसन्स डिजीज। राइट, द नेक्स्ट डिजीज, आई मीन द नेक्स्ट डिजीज कंडीशन, पहले नेक्स्ट डिजीज कंडीशन पर जाने से पहले एक बार मैं एक चीज और समझा दूं बेटा। यहाँ एडिसन्स डिजीज में एक सिम्टम बहुत ही अजीब दिखता है, जो कि बच्चे मेरे पास लेकर आएंगे सवाल, बोलेंगे मैम ये सवाल, ये चीज समझ में नहीं आ रही। देखो बेटा ध्यान दो, जब भी एड्रिनोकॉर्टिकॉइड्स डिक्रीज होते हैं, एड्रीनोकॉर्टिकॉइड जब भी डिक्रीज होंगे फ्रॉम द एड्रीनल कॉर्टेक्स, तो उस कंडीशन में ACTH बढ़ा हुआ होगा। यानी एडिसन डिजीज में एड्रीनल कॉर्टेक्स काम नहीं कर रहा, तो पिट्यूटरी के पास दोबारा मैसेज जाएगा ना कि जल्दी जल्दी हार्मोन रिलीज कराओ, तो ACTH बढ़ जाता है। इस कंडीशन में एक चीज और होती है, एट द सेम टाइम फॉर सम रीजन, सम ऑड रीजन, MSH ऑल्सो इंक्रीजेस, जो मिलेनोसाइट स्टिम्युलेटिंग हॉर्मोन है वो भी रिलीज होना शुरू हो जाता है। उसी वजह से एडिसन्स डिजीज में एक अजीबो गरीब सिम्टम और आता है, और वो सिम्टम क्या है? दैट इज ब्रॉन्जनिंग ऑफ स्किन, स्किन तांबे की तरह पीली काली सी होने लगेगी। राइट, सो ब्रॉन्जनिंग स्किन इज वन ऑफ द सिम्टम्स, गॉट दैट बेटा? आगे चले, द थर्ड डिसऑर्डर हियर इज कुशिंग्स सिंड्रोम, कुशिंग्स सिंड्रोम। कुशिंग्स सिंड्रोम क्या है बेटा? जो एडिसन था वो हाइपो कंडीशन थी, ये हाइपर कंडीशन है। सो यहां पर होगा हाइपर सिक्रीशन ऑफ एड्रीनो कॉर्टिकॉइड्स। तो अगर आपसे कोई ACTH का रिलीज पूछे तो एड्रीनो कॉर्टिकॉइड्स बहुत ज्यादा है, नेगेटिव फीडबैक देंगे, तो यहां पर ACTH डिक्रीज कर जाएगा। गॉट दैट? सो व्हाट आर द सिम्टम्स हियर बेटा? एक एक करके तीनों हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ लेते हैं। पहले मिनरलोकॉर्टिकॉइड की अगर ज्यादा अमाउंट इंक्रीज हो गया तो क्या होगा, अगर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ज्यादा बढ़ गया तो क्या होगा, बहुत सिंपल है। राइट, तो सबसे पहला, अगर मिनरलोकॉर्टिकॉइड गड़बड़ हुए तो बॉडी का आयनिक बैलेंस बिगड़ेगा और ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कौन से। नाउ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, अगर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की गड़बड़ हुई तो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा, बिल्कुल डायबिटीज जैसी कंडीशन आ जाएगी। दैट मींस यहां होगा हाइपर ग्लाइसीमिया। अब शुगर आई कहां से? शुगर लाने के लिए इन्होंने सारे के सारे डिपोज खाली कर दिए होंगे ग्लाइकोजन के, लिवर से सारा ग्लाइकोजन खत्म, तो अब फैट टूटना शुरू होगा, तो जगह जगह से फैट टूटेगा, इसके अलावा प्रोटीन भी टूटेगा। सो प्रोटीन जब टूटेगा बेटा, सो इट कॉजेस मसल वेस्टिंग, ऐसा लगेगा कि मसल्स बिल्कुल ऐसे बिना पावर की हैं, उनमें कोई ताकत नहीं है, उनमें कोई टोन नहीं है। सो यहां पर मसल वेस्टिंग देखने को मिलेगी। राइट बेटा, जब मसल्स का सपोर्ट नहीं रहेगा तो हड्डियों के फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाएंगे, सो दे हैव फ्रैक्चर प्रोन बोन्स। राइट, बार बार फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ेंगे। लिपिड जगह जगह से टूटा पड़े, एक बड़ी सी तोंद निकल आएगी। इमेजिन करो एक अंकल हैं जिनके हाथ मोमबत्ती, पैर अगरबत्ती जैसे हैं, कुछ ऐसे। बहुत सिंपल है कुशिंग सिंड्रोम को याद रखना, ऐसे जब प्रोटीन गया
तो बॉडी में जगह जगह पर इडिमा शुरू हो जाएगा ना, बीसीओपी गड़बड़ा जाएगा, ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर दैट आई टोल्ड यू अंडर व्हेन आई वाज टेलिंग यू अबाउट लिम्फ। तो प्रोटीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि ब्लड का सीपेज रोके, हमारी कैपिलरीज से बाहर ब्लड ना चला जाए, इडीमा ना हो जाए, सूजन ना आए, तो ब्लड के सीपेज को इंटरस्टीशियल स्पेसेस में जाने से रोकता है। पर यहाँ तो प्रोटीन है ही नहीं, तो इसलिए इंटरस्टीशियल स्पेसेस में ब्लड पहुंचेगा, तो ऐसे चंदा मामा जैसा चेहरा हो जाएगा। ठीक है, अब चंदा मामा जैसा तो है ये, ऐसे रीढ़ पे कूबड़ निकल आएगा, फैट का डिपोजिशन कहीं कहीं पे दिखाई देगा, ऐसे पीठ पर बफेलो हम्प, भैंस की तरह कूबड़ निकल आएगा। ठीक है, बिल्कुल दुबले पतले से अंकल, और ये मोटा सा पेट, पेंडुलम बेली। ठीक है, हाथ पैरों पर मसल बिल्कुल वेस्ट हो गई है, तो बिल्कुल ऐसे पतले पतले से पैर, और ये अंकल लाठी लेकर के चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि अंकल का पैर फ्रैक्चर्ड है, और फ्रैक्चर क्यों हुआ? क्योंकि प्रोटीन की थी कमी, मसल हो गई वेस्ट, हड्डियां टूटने लग गई। गॉट दैट? समझ में आई? चंदा मामा जैसा चेहरा, भैंस जैसा कूबड़, पेट के ऊपर खिंचाव के निशान दिखाई देंगे आपको जगह जगह। पढ़ ले हम। सो व्हाट आर द सिम्टम्स? मसल वेस्टिंग होगी, फ्रैक्चर प्रोन बोन्स होंगी। इसके अलावा चंदा मामा जैसा चेहरा, मून फेसेस ड्यू टू इडीमा एज प्रोटीन इज डिक्रीज इन दिस कंडीशन। इसके अलावा पेंडुलम बेली या ओवरऑल ओबेसिटी देखने को मिलेगी, मोटापा वजन बढ़ रहा है इसका, क्योंकि इतना ज्यादा ग्लूकोज का लेवल हाई है कि बॉडी को लगेगा कि ग्लूकोज डिपॉजिट्स करने की जरूरत है, तो ओबेसिटी बढ़ जाएगी। और क्या चीजें हैं बेटा? बफेलो हम्प है, और क्या दिख रहा है आपको? पेट के ऊपर पर्पल कलर के स्ट्रिए हैं, दैट मींस स्ट्रेच मार्क्स देखने को मिलेंगे। गर्दन भी काफी सूजी हुई होती है इनकी, बट जो इंपॉर्टेंट है बेटा दैट आई हैव टोल्ड यू हियर। सो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ कुशिंग्स सिंड्रोम। समझ में आ गई यहां तक बात? आगे चले, लेट्स स्टडी अबाउट दी फर्दर डिसऑर्डर्स, लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ वन। सो द नेक्स्ट डिसऑर्डर इज एड्रेनल विरिलिज्म, राइट? एक ऐसी कंडीशन जिसमें विरिलिज्म देखने को मिले, दैट मींस पुंसत्व या मेल लाइक कैरेक्टर्स डेवलप हो जाएं इन केस ऑफ अ फीमेल, राइट? सो व्हाट इज विरिलिज्म? दैट इज कॉज्ड ड्यू टू इंक्रीज इन एंड्रोजन्स इन फीमेल, राइट बेटा? सिम्टम्स क्या होंगे अगर एंड्रोजन्स बहुत ज्यादा बढ़ गए? तो मैस्कुलिनाइजेशन होगा, दैट मींस मेल लाइक सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप हो जाएंगे, राइट? मेल लाइक बॉडी होगी बेटा, आवाज भारी हो जाएगी, फीमेल में इनफर्टिलिटी भी देखने को मिलेगी, साथ ही साथ हिर्सुटिज्म मिलेगा यहां पर। हिर्सुटिज्म का मतलब होता है मेल लाइक फेशियल हेयर डेवलपमेंट, जैसे आदमी के दाढ़ी मूछ होती है वैसे ही फीमेल के भी बियर्ड एंड मोस्टेच जो है वो डेवलप कर जाएगी, सच कॉज मेल लाइक फेशियल हेयर डेवलपमेंट इन फीमेल, राइट? ओवरऑल सारे के सारे सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स जो है वो मेल जैसे आ जाएंगे इन केस ऑफ अ फीमेल। इसके ऑपोजिट अगर एक फीमेल में मेल में फीमेल हॉर्मोन्स जो हैं अगर वो इंक्रीज कर जाए, दैट मींस गाइनोजेंस अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या होगा? इट कॉजेज गायनेको
मेस्टिया, मेस्टिया मींस मेमोरी ग्लैंड्स, यानी औरतों की तरह मेमोरी ग्लैंड्स का डेवलपमेंट. सो व्हाट इज इट्स कॉज? कॉज इज इंक्रीज इन एस्ट्रोजन इन अ मेल. राइट, व्हाट आर द सिम्टम्स? मेमोरी ग्लैंड ग्रोथ लाइक अ फीमेल इन मेल. दैट मीन्स मेल के पास भी ब्रेस्ट डेवलपमेंट या मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट देखने को मिलेगा. गॉट दैट बेटा? आखिरी डिजीज या आखिरी डिसऑर्डर जो यहां देखने को ना, डिजीज डिसऑर्डर डिसऑर्डर कंडीशन जो आगे देखने को मिलेगी वो है रिलेटेड विद द एड्रीनल मेड्यूला. We talked about five, I guess. The sixth one is pheochromocytoma. Beta, oma word jahan aata hai, wahan pe matlab hota hai tumor. So it's a condition where we have tumor of adrenal medulla. राइट, सो सिम्टम्स क्या होंगे बेटा? जो भी कंडीशन एड्रिनल मेड्यूला से कंट्रोल होती है वो सारी बढ़ जाएंगी. वेरी हाई ब्लड प्रेशर इज द प्राइमरी सिम्टम हियर. इसके अलावा कई बार ग्लैंड्स के पास जो ओवर फंक्शनिंग होगी वो शुरू हो जाएगी. मेन सिम्टम हियर इज हाई ब्लड प्रेशर, अनएक्सप्लेन्ड हाई ब्लड प्रेशर जो कि काफी खतरनाक सिद्ध हो सकता है. एंड फॉर दैट ट्रीटमेंट इज एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली नेसेसरी. सो विद दिस वी आर डन विद द एड्रीनल ग्लैंड एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ग्लैंड दैट इज थायरॉइड.